वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जैगेट फोर्ट की सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग जैगेट फोर्ट के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दीवाने आम आ गया, जहाँ सैनिकों के साथ में मीटिंग करते हैं। अंदर में राजा रहते हैं, बाहर में सेना रहती है। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये कूलर आगे रूम कूलर है। अच्छा, एक कूलर को तीन आदमी चलाते हैं, एक पानी डालने वाला, दो चलाने वाले। अच्छा, ऐसे चलाना पड़ेगा। हाँ, से चलाना है। उस जमाने में लाइट नहीं थी, 400 साल पहले, तो आज से ही चलते थे। ऊपर पानी का टंकी बना हुआ है। ये भी कूलर है, वो भी कूलर है। वो सामने देख रहे हो, हाथी का पालकी, मानसिंह का जब निकलता था उधर आ गया, विदाउट पानी का कूलर को नंगाड़े आ गए। सामने देखो चमड़ा लगा है। पैदल ये खिलपति निवास है, जहाँ राजा का सीक्रेट जो मीटिंग होता है। ये बंद क्यों है? ये बंद कर रखा है। अब आएगा लक्ष्मी विलास। ये ऊपर में है ना, जो लेंसों के लिए था, और नीचे जेंट्स के लिए, तो पूरा आम निकलता है। मतलब ये चलने के लिए भी अलग अलग है? हाँ, लेडीजों का अलग था, जेंट्स का अलग। सुरंग किसके लिए बनाई? ये राजाओं को बाहर सुरंग से मिलता है। रोशनी के लिए उस जमाने से, और ये हवा के लिए। कभी ऐसी सिचुएशन आई थी आमिर किले से यहाँ से यहाँ आना पड़ा था? नहीं नहीं, अटैक नहीं हुआ कभी सर। इसमें क्या है? ये देखो आमिर डायरी सुन, ये बंद है ना यहाँ से। अच्छा, ये आमिर जाती है? हाँ, ये बंद कर रखा है। इसको बंद क्यों कर दिया? इसको सुरक्षा के हिसाब से बंद कर दिया सर। आप भी तो सकता ना मेरे पैसे। नहीं, आप ये क्या है? क्या है ये सुरंग? कौन सा ये सब? ये रूम, ये सुरंग के रास्ते में इनको भी बंद कर रखा सब। ये सब रास्ते? हाँ। ये ऊपर जो लेट जो सुरंग बताई ना, उसके लिए दोनों साइड से सीधे जा रही थी। ये सब सुरंग के रास्ते? ये सब सुरंगों में है। ये देखो पब्लिक
दिख रही है पैदल का रास्ता, दिख रही जनता आ रही है, वो टूरिस्ट आ रहे हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए पैदल, जो 3 किलोमीटर का है। अच्छा आमिर यही है? हाँ आमिर पैलेस यही है। और वो सामने क्या है जो सीढ़ी जा रही है ऊपर? वो सीढ़ी बाउंड्री बताई थी ना आपको तोपे से। अच्छा अच्छा वही बाउंड्री। अच्छा आमिर पहले से आमिर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा? नहीं आपको गाड़ी जाएगी, गाड़ी जा सकती। और जलमहल भी उधर ही है ना? नहीं जलमहल इधर है जयपुर से। अच्छा ये आमिर पहले से बहुत बड़ा है तो। वो पूरा वो लेक है कोई? वो लेक है जो जमाने में जो आमिर जो गांव था ना उसके लिए जो पब्लिक के लिए पीने का पानी था उसमें। अच्छा आमिर के लोगों के पीने के लिए पानी था। लेक का नाम है माउंट हब। माउंट हब लेक। अभी देखो पेंटिंग है ना काफी पुरानी है मगर ये क्या खुला है तो फिर ये क्या खराब हो गए ना, कोई पब्लिक आती है हाथ लगाती है। अभी देखो नाम लिखा हुआ है पेंटिंग की पूरा खराब हो गया। यह है विलास मंदिर यानी लेडीज़ों का कंपाउंड मानते हैं। अच्छा। लेडीज़ों के लिए था क्योंकि पहले जयपुर शहर नहीं बसाया गया था तो आमेर ही था जिसको बोलते पुराना जयपुर शहर वो आमेर ही था। तो यहाँ पर जैसे सवारी जुलूस वगैरह जो निकलते तेज गणगौर त्यौहार वगैरह वो यहाँ से निकलते थे। इसके बाद में आएगा आमेर का व्यू पॉइंट। वो राजाओं के बैठने की जगह है अंदर पीछे में गार्डन है। ये गार्डन राजाओं का ही है वैसे उसी टाइम का ही ये उसी टाइम से है गार्डन। ये पेड़ उसी टाइम पेड़ तो फिर बाद में लगे पेड़ तो बाद में लगाए पहले गार्डन ही था वो उधर कुत्ता से। और ये सामने जो गेट देख रहे हो ना इसमें मूवी का शूटिंग होता लाल बादशाह। अच्छा लास्ट में जहाँ शूटिंग हुआ था दबंग 3 का हुआ था सलमान खान को हाथ से उसका यहाँ के एक गाने का शूट किया गया था। पब्लिक देख रही हो ना वहाँ पे उसके अंदर में जो सामने सी स्मेल है जो बाहर से देखने को होता है वो उधर आ गया। आगे में दीवाने आम दीवाने खास है जो यहाँ पे थे ना वैसे और वो आगे में जो झंडा लगा हुआ है वो मंदिर है माता जी अंदर ही सर। हाँ मंदिर राजा के अंडर में आता है वो बाकी जो पूरा पैलेस है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपने जैगेट फोर्ट की वीडियो के दूसरे एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है आप वहां से देख सकते हैं।